नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। तो इस वक्त हम मौजूद है परेड में वुमेन कॉलेज के बाहर और सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। चहल पहल की बात करें क्योंकि एक तरफ से आज ईद भी है और दूसरी तरफ से कल अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और चहल पहल मार्केट के दिखाते हैं। एक तो गर्मी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं पे कहीं ना कहीं बारिश भी होती है और बारिश आने के बाद फिर वैसी ही गर्मी जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं पे मार्केट देख सकते हैं चहल पहल जिस हिसाब से हमें दिखाई देनी चाहिए। गगन तस्वीरें दिखा दें, परेड से तस्वीरें हैं। एक तरफ की बात कर चलिए सरकारी छुट्टी भी है आज और दूसरी तरफ से ईद भी है, जैसे सोचा हमें चहल पहल देखने को मिलेगी वैसी जो है वो हमें चहल पहल जो वैसे देखने को नहीं मिल रही। और इतनी गर्मी में अब जानते हैं आज ईद थी और लोगों का कामकाज को लेके कहीं ना कहीं शायद कामकाज पे बात करते हैं। कैसा चल रहा है कामकाज आज की बात करें, काफी दिन से बात करें, एक अंकल जो जुड़े हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। अंकल जी आपका नाम? आप नहीं बोलेंगे कंफर्टेबल? अच्छा बोल नहीं सकते, सॉरी बोल नहीं सकते इनसे, भैया आपसे बात कर लेते हैं। नहीं कामकाज को लेके पूछना कैसा आज ईद है वहाँ पे। अच्छा दुकान पे ही देंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि दुकान पे ही इंटरव्यू होना चाहिए और वो अंकल जी बोल नहीं सकते और यहाँ पे फोटोग्राफी की दुकान है, इनसे भी बात करते हैं। आपकी दुकान पे आ गए आपके कहने पे जी, क्या कहेंगे आज ईद है कामकाज को लेके, चहल पहल नहीं दिख रही, क्या कहेंगे इस पे? कामकाज तो अब रहा नहीं, यहाँ पे आपके सामने ही है, बाहर देख लो जी। ना कोई आदमी दिखाई दे रहा है यहाँ पे जी। और उन्होंने खाया नहीं मार्केट में बिल्कुल आज जी। वैसे भी कामकाज कहाँ रहे हैं अब, नहीं है कामकाज रहे नहीं अब यहाँ पे। पहले पहले कितना काम होता था परेड में, अब तो काम रहा वही, है वही हम अब कॉलेज के अंदर भी वैसे शॉप्स खुल गई हैं जी, हमारा काम नहीं आ रहा, नहीं रहा बस, अब क्या वैसे ही है टाइम पास चल रहा है बस। तो एक कहीं ना कहीं आज ईद भी थी तो आपको भी कहीं ना कहीं होगा कि ईद पे थोड़ा क्राउड दिखेगा, चहल पहल दिखेगी, कामकाज भी नहीं है। हाँ यहाँ पे तो नहीं है पर वहाँ पे होगी, अपने यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है, इतने के लिए तो निकलते हैं ना घूमते, तो इतनी रौनक नहीं है आज। तो क्या मान के चले गर्मी के कारण भी लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे, दूसरा लोगों को पैसा भी नहीं है शायद, ये भी होता है पैसा ही नहीं है बस, कोरोना के बाद तो पैसा आया नहीं ना बस, नहीं आया, बड़ा बुरा हाल है बस, उसके बाद पैसा आया नहीं बस, यही चल रहा है बस, धक्का स्टार्ट ही है बस ये बैठे। आप भी आपसे बात करते हैं, पीछे से क्यों बोल रहे हो जी, क्या कहोगे मतलब जम्मू वालों के पास पैसा खत्म हो गया, वो ये मान के चले इसलिए कामकाज के नहीं ठप पड़ गया हुआ है। मैम जब से कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना के बाद से सारे कामकाज ठप हैं, आज के मुश्किल से बंदा एक दिन के लिए खाने का ही जुगाड़ कर सकता है, ना कि वो कुछ जोड़ पाएगा, ना कोई वो आगे कुछ सोच पाएगा, तो है तो सोचने वाली चिंता की बात ही है ये कि जो जम्मू में इतना कामकाज होता था कि इन्हीं दिनों में काफ़ी लोग अपना घर चलाते थे, कुछ कमाते थे, कुछ खाते थे, पर आज वो सिचुएशन आ चुकी है कि दो टाइम का खाना तक की नौबत पड़ चुकी है हमारे लिए। मतलब बहुत बुरे दिन आ चुके हैं मैम जम्मू में। जम्मू कश्मीर फेमस है, मंदिरों का शहर है, टूरिस्ट बाहर से आके घूम रहे हैं, उनके पास खुला पैसा, लेकिन जम्मू वाले के हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। मैम पहले तो ठीक था, जब से कटरा में सीधी ट्रेन जाना शुरू हो गई है तो टूरिस्ट इस तरह कम ही स्टे करते हैं, तो सीधे कटरा चले जाते हैं, उधर आगे पीछे चले जाते हैं हिल स्टेशन में, तो कहीं ना कहीं जम्मू को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है और जम्मू को कुछ निगलेक्ट भी किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ताकि कामकाज के आगे साधन कुछ लोगों को प्रोवाइड सहूलियत प्रोवाइड की जाए। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारा भी घर चले, हमारा भी अपना बिजनेस चले, ताकि हम अपने घर वालों को और अपने फैमिली मेंबर्स को अपने घर के खर्चे को थोड़ा हैंडल कर सकें। मैम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इनके साथ साथ एक और दुकान से बात करने की कोशिश करती है कामकाज को लेकर, जिस प्रकार से वहाँ पे परेड की बात करें तो परेड में चहल पहल जो है वो रौनक जो है हमें देखने को नहीं मिल रही क्योंकि लोगों का कामकाज ही नहीं रहा। और कामकाज को लेके किस प्रकार से उन्होंने कहा, जब से कोरोना की मार पड़ी है तब से लोगों के पास कामकाज ही नहीं है, कामकाज है तो जो लोग बाहर निकलते हैं उनके पास पैसा ही नहीं, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो वहीं पे एक आर्चिस
आर्चिस की गैलरी की शॉप है, यहाँ पे भी चलते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से दुकानदार ने कहा कि पैसा ही नहीं है लोगों के पास, कामकाज ठप पड़ा हुआ, ये नहीं कि आज की जो परेड की बात करें तो परेड में चहल पहल रहती है, काफी क्राउड रहता है, कामकाज भी अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि जब से कटरा की ट्रेन चली है और साथ में वुमेन कॉलेज के अंदर दुकानें खुल गई है, अब यहाँ पे मार्केट में कामकाज बिल्कुल बंद हो चुका है। वहीं पे आर्चिस गैलरी की बात करें जो काफी ज्यादा चहल पहल रहती है, बढ़ चढ़ के जो युवाओं की बात करें, अब लड़कियों की बात करें यहाँ पे आते हैं, और शायद ईद के मौके पे भी यहाँ पे हमें देखने को चहल पहल मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ खाली एक ही क्लाइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए यहाँ की जो ओनर है उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कामकाज को लेके। जी आपका नाम? संजय गुप्ता जी। संजय सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से कामकाज को लेके बात की आपके साथ वाले दुकानदारों ने, कहा कि मैम कोरोना के बाद ऐसी मार पड़ी, कामकाज है ही नहीं, पैसा है ही नहीं है, तो क्या कहोगे कामकाज को लेके? मैम, कामकाज की ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है जी। सिटी की बहुत पुरानी शॉप होने के बावजूद, सिटी में मेन लोकेशन पे होने के बावजूद क्लाइंटेज कम है, पता नहीं लोगों के पास पैसे कम है, पोजीशन टाइट रहती है जी। तो उसकी वजह भी है। इस समय पर्टिकुलर जैसे अमरनाथ का रश भी था, आज ईद की वजह से भी हम लोग सोच रहे थे क्लाइंटेज निकलेगी, कुछ गर्मी का असर भी है, छुट्टी होने का भी फर्क पड़ गया और कुछ फर्क पड़ गया। देखिए आगे जैसे आज ईद है तो लोग कहीं ना कहीं चले रहते थे बुकेस देने के लिए किसी मिनिस्टर्स को, एमएलएस को, अब चूंकि गवर्नमेंट गवर्नर रूल है तो उसका भी कुछ असर शायद मार्केट में, मुझे लगता है मेरे पे नहीं, ओवरऑल मार्केट में काम बहुत कम है समय। तो क्या मान के चले कि जम्मू वालों के पास क्या पैसा ही खत्म हो गया है, या वो उनका मन नहीं करता कि पैसा खर्च करें? ऐसा नहीं है, जम्मू पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। देखिए मैं पर्टिकुलर अपने पर्सनली ये सोचता हूँ कि बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ा, ट्रेन जम्मू से कटरा पहुंच गई, आधी क्लाइंटेज, मतलब ये नहीं कि मेरे काम को असर पड़ा, वो जम्मू सिटी की, तो सिटी में पैसा आएगा तो वो कहीं खर्च होगा ना। तो अब ट्रेन कल को श्रीनगर भी जा रही है, बाईपास बन रहे हैं, उससे बहुत सारी क्लाइंटेज है जो सिटी में नहीं आती, तो वो बाहर से लोग निकल जाते हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं कारोबार पे पड़ता है। मतलब आम लोग तो बोलते हैं जी इसका हाल जम्मू का हाल, इन्होंने पठानकोट जैसा कर देना है, किसी टाइम पठानकोट में काम खत्म हो गया था। तो मैं सो ऐसा है, हर बंदा शायद टाइट है, उसी का असर हमारे काम पे भी पड़ता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुकानदारों से भी बातचीत की हमने, तो चलिए बाहर ले चलते हैं, पहले भी दुकानदार से बात की और दूसरे भी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कामकाज को लेकर और जब से ट्रेन तो है जो चल पड़ी है, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं क्लाइंटेज जो है वो खत्म हो गई है। तो तस्वीरें जो है परेड से दिखा रहे हैं, वुमेन कॉलेज के सामने बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं, कामकाज को लेकर लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कामकाज जो है बिल्कुल ही ठप पड़ चुका हुआ है, कामकाज रहा ही लोगों बस पैसा जो है वो रहा। इन तस्वीरें करके दिखा दे वुमेन कॉलेज के बिल्कुल सामने। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से, एक तरफ से खुशियां मनाई जा रही है, ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या ईद के मौके पर चाहे अमरनाथ हो, चाहे अभी शादियां बंद है, शादियां स्टार्ट शुरू हो जाएगी, काम काज को लेके जिस प्रकार से गर्मी बढ़ते जा रही है, लोग घर से नहीं निकल रहे। अगर शाम की बात करें तो काम काज को लेके दुकानदारों ने कहा कि काम काज जो है बिल्कुल ही ठप पड़ गया हुआ है। देखते रहेगा दिल्ली लेटेस्ट न्यूज़, कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी जा